बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं क्विक पोटैटो डिश, जिसके लिए हमने लिए हैं कतली के स्टाइल में आलू। हमने काट के ले लिए हैं चार छोटे साइज़ के टमाटर, लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है। 8 से 10 हरी और लाल मिर्चें लेके इनको मोटा मोटा हमने काट लिया है। 1.5 टीस्पून नमक हमने लिया है। 1.5 टीस्पून कुटी मिर्चें हमने लिए हैं। 1.5 टीस्पून ज़ीरा हमने लिया है। एक बार फिर से सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्पाइसी बनते हैं ये क्विक पोटैटो डिश। बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है ये डिश और जल्दी भी बनती है। सबसे पहले हमने एक पाव सरसों का तेल लेके इसको जला लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। अच्छे तरीके से ज़ीरा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्चें भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, टमाटर भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। नमक 2 मिनट तक के लिए इसका चूल्हा हम तेज़ कर देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने पोटैटोज़ शामिल करेंगे, जिनको हमने पतलियों के स्टाइल में काट लिया था। अब 5 मिनट तक अपने पोटैटोज को टमाटर मिर्चे और तेल में अच्छे से भूनेंगे। जब ये थोड़े थोड़े से गलने लगेंगे, इनकी पकने की खुशबू आने लगे, तब हम इनको कवर करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट तक फुल चूल्हे पर पकाएंगे और इसे हम इस तरीके से हिलाएंगे फुल चूल्हे पर पका के। याद रहे कि इन आलूओं को चलाना नहीं है, चलाने से इनके जायके पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पानी डालने के बाद हम इन्हें बिल्कुल नहीं चलाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब अच्छे तरीके से ढक्कन से कवर कर देंगे और चूल्हा हम इसका बिल्कुल 1/2 कर देंगे। 10 मिनट तक अपने पोटैटो को हमने दम लगा लिया है। अब 5 मिनट तक हम इसे भुनेंगे। अब हम इसे चूल्हे पे से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया और हरी मिर्चें। उतारने के बाद धनिया और हरी मिर्चें हमने सिर्फ इसलिए शामिल किया है ताकि धनिया हरा का हरा रहे और हमारी ये स्पाइसी सी आलू की क्विक और क्विक पोटैटो डिश बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगती है। अब आप हमें ये बताएं कि हमने ये बनाने में कहां कहां गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।